दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में जितने भी ब्लाउज की कटिंग बताए जाते हैं दोस्तों, फिटिंग की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होती है, इसलिए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको फिटिंग में समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम लेते हैं एक मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट की लंबाई है 13 इंच, तो 14 इंच पर इसको हम ये करते हैं, मार्किंग करते हैं। दूसरा जो मार्किंग करेंगे दोस्तों 5.5 इंच पर करेंगे, ठीक है। इन दोनों लाइनों को बिल्कुल सीधा खींच लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ज्यादा तामझाम लेनी है तो आपको 5.5 इंच पर शोल्डर ले लेना है, जो कि ओपन नेक के लिए सफिशियंट रहता है। करीब इसमें 10 इंच तक के गला का नेक डेप्थ रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 10 इंच तक के रख रहे हैं, 5.5 इंच यहाँ पर हमने इसको लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसका चेस्ट यहाँ पर है, इसका 33 है दोस्तों, इसका अपर चेस्ट 34 इंच है, इसका फुल बस्ट, और इसका जो है दोस्तों यहाँ पर कमर है 29 इंच। तो फुल बस्ट का यहाँ पर रोल नहीं है, 33 इंच इसका अपर चेस्ट है, तो इसका चौथा भाग, 33 का चौथा भाग कितना होगा, 8.25 इंच, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद इसका कमर है दोस्तों, कमर है 29 इंच का चौथा भाग लेंगे, तो यहां पर 29 का चौथा भाग होता है 7.25 इंच। इसमें करीब क्या करेंगे, 1 इंच का हम यहां पर डार्क मार्क कर देंगे। यहां पर दोस्तों इस लाइन को हम हल्का सा 0.25 इंच इसको तिरछा हम खींचेंगे, ये बहुत आवश्यक है। अब इसको आप इस प्रकार से राउंड कर ले। यहां पर क्या करेंगे आप, 3.25 इंच, ठीक है। यहां पर एक चीज है दोस्तों, आर्म होल जो होता है उसको आप नाप ले। इसके लिए 14 इंच आर्म होल है, तो 14 का आधा होता है 7 इंच, 7 इंच से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए आर्म होल। देखिए दोस्तों, बिल्कुल 7.5 इंच आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। चलिए इसको काट लेते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, डांट के लिए मार्किंग करेंगे। डांट क्या है, जितना आपको डांट लगाना है वहां पर आधा ऐसे, और देखिए इसको यहां पर लगभग 4 इंच पर, नीचे से लगभग 4 इंच पर इसको मार्किंग कर दें, और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर खांच लें, ये अति आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों सामने के पल्ले में आते हैं। सामने के पल्ले में आने के बाद हम यहाँ पर हुक हाई के लिए सबसे पहले मार्जिन खींचेंगे, ठीक है। हुक हाई सब सामने हुक रखते हैं, तो हुक हाई की मार्किंग खींच लेने के बाद आप पीछे पल्ला इस प्रकार से रखें। इसके बाद देखिए यहां पर जी इस प्रकार से इसको आप ये कर ले दोस्तों, निशान लगा ले, यहां पर भी आप निशान लगा ले सामने पल्ले में इस प्रकार से, ये देखिए। अब देखिए यहां पर गले का जो, यहां पर पहले तो ये करेंगे आर्म होल को ज्यादा खांचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको भी डाउन करेंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे। देखिए दोस्तों 34 इंच के लिए यहां पर क्या करेंगे, जो बस्ट का पॉइंट है वो 9 इंच भी हो सकता है, 9.5 इंच भी हो सकता है। अगर मीडियम हाइटेड है तो यहां पर 9 इंच होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर सिलाई मार्जिन छोड़कर इसको 9 इंच पर मार्किंग करें, ठीक है। 9 इंच को सिलाई मार्जिन ऊपर में छोड़ें, उसके बाद ही मार्किंग करें, इसको सीधा खींच लें। अब देखिए यहां पर 34 इंच इसका है फुल बस्ट, अपर चेस्ट का रोल खत्म, तो 34 है दोस्तों, 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच, इसे 1 इंच ज्यादा 9.5 इंच, इस प्रकार से इसको मार्किंग कर दें। देखिए ऐसे पहले यहां तक करें। अब देखिए यहां पर 34 का 10वां भाग, ध्यान से देखिएगा, ये 10वां भाग का रोल बहुत है। 10वां भाग दोस्तों यहां पर आएगा 3.5, लगभग 3.5 आता है 34 का 10वां भाग, और उसके बाद यहां से देखिए इसको थोड़ा सा हमें, देखो यहां पर 3.5 लिया है, जिसको आप 2.5 करें, 1 इंच कम करें, 1 या 0.25 इंच, याद रखें दोस्तों यहां पर 2.5 से कम ना हो, है ना, यहां पर 2.5 से कम ना हो, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर करीब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो यहां पर इसको इस प्रकार से ये करें, देखिए तिरछा हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जो 10वां हिस्सा 3.5 इंच यहां पर लिया है, 3.5 इंच यहां पर भी ले लें। ये होता है स्टैंडर्ड पफ, अगर पफ का मतलब सही तरीके से, मतलब बहुत पफ का उभार अच्छा है मतलब इसमें, तो इसको 3.5 इंच मतलब 10वां हिस्सा यहां पर भी ले लेना है। लेकिन अगर किसी में कम है तो उससे 0.5 इंच कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 3 इंच भी ले सकते हैं, सपोर्ट इसमें कम है मान लो पफ का उभार, तो किसी भी चेस्ट में 10वां भाग यहां पर ले, वो होता है स्टैंडर्ड
ये होता है पफ होता है ना, लेकिन आपको कम चाहिए तो उससे कम कर सकते हैं। चलिए देखो इस प्रकार से हमने इसको किया। अब देखिए फ्रेंच कर्व को रखने का तरीका दिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंच कर्व होता है, इसको इस प्रकार से रखें, यहां से आधा इंच या आधा पौन इंच कम, देखो इस प्रकार से घुमा कर रखें, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। पहला स्टेप रखने का तरीका आप देख लीजिए, इस प्रकार से रखें। दूसरे स्टेप में आप फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से पकड़ें और इसमें आप इस प्रकार से गोलाई बना दें, ये देखिए। तो यहां पर बन गया यहां पर गोलाई। अब देखिए यहां पर करीब 4 इंच, ऐसे अनुभव का काम है, आपको 4 रखना है 4.25 रखना है, इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है अनुभव ऊपर, थोड़ा थोड़ा आप काम करते करते अनुभव। अब यहां से इसको मिला दीजिए तो आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ यहां पर प्राउन बन चली है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज है खास बात, देखिए यहां से अगर हम नापना स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा नापते हैं कितना है, चलिए नापते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 4.25 इंच आ रहा है, तो यहां से भी यहां पर दूरी 4.25 करीब आना चाहिए ऐसे। तो देखिए थोड़ा सा ये आगे सरक जाता है, ये इसको इस प्रकार से खींचे। अब इसके बाद यहां पर हमें एडजस्ट करना है कमर। कमर को एडजस्ट करने का तरीका कितना है, 29 इंच का कमर है दोस्तों, 29 का जो ये होता है चौथा भाग होता है, 29 का चौथा भाग 7.25 होता है। तो पहले इसको नाप लें, 3.25 इंच यहां पर है, 3.25 इंच को यहां पर रखें और ये देखिए 7.25 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां से आप क्या करें, इसको मिला दें ऐसे। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं, आप इसको सीधा सीधा भी खींच सकते हैं ऐसे, यहां से कमर मिलाकर, ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, मैंने आपको उसको बताते वक्त ही किया। अब देखिए यहां पर ये इसको यहां से बिल्कुल सीधा मिला दें इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। गले को बना लीजिए दोस्तों, जैसे आपको 7 इंच चाहिए 6 इंच चाहिए, ये 6 इंच 7 इंच के लिए आपको इसी प्रकार से काट देना है, सेम 6 इंच 7 इंच गला चाहिए सामने का। तो इस प्रकार से इसका, लेकिन अभी काम बाकी है दोस्तों, काम क्या बाकी है, छोटा सा काम बाकी है जिसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन बनाना है दोनों तरफ। देखिए दोस्तों सिलाई मार्जिन के लिए आपको इसको यहाँ पर इधर ऐसे आधा इंच ज्यादा इसमें सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इधर भी आपको इस प्रकार से सिलाई मार्जिन बनाना होगा, देखिए ऐसे। ये होता है दोस्तों इस प्रकार से प्रिंसेस कट काटने का सही तरीका। उम्मीद है दोस्तों ये जो प्रिंसेस कट जो बताया हूं ये तो इजी भी है और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे, फिटिंग बिल्कुल 100% आती है दोस्तों इसमें। आज के लिए बस इतना ही, इसी प्रकार से वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, धन्यवाद।